नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह टर्फ ग्रास है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टर्फ ग्रास कैसे बनाएं। तो सबसे पहले 25 से 40 गेज का पॉलीथीन ले लेना है और उसे 3 फीट या 2.5 फीट आप अपनी सुविधा अनुसार उसे लंबाई कितनी भी हो, लंबाई लगभग 10 फीट तक आप उसे काट सकते हैं। 3 फीट बाई 4 फीट की चौड़ी पॉलीथीन काट ले और उस पर 1 इंच मिट्टी डाल दें। मिट्टी, बालू और वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर मिला हुआ आपको मटेरियल डाल देना है और उसे लगभग उस पर पूरा पानी डालकर एब्जॉर्ब होने के लिए सोखने के लिए छोड़ देना है और 1 सप्ताह के लिए छोड़ देना है। अब 1 सप्ताह बाद उसमें हमें फाइनली उसमें हमें टर्फिंग करने के लिए घास, जो दूब घास होती है वो, या फिर आप डिज़ाइनिंग के लिए दस बजिया फूल, जिसे पोर्चुला का स्पेसीज कहते हैं, जो 10 बजे खिलता है, वो फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं बॉर्डर बनाने के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए। तो बेड बनाने के लिए, बेड तैयार हो जाएगी तो उसके बाद वर्मी कंपोस्ट हमें लेना है। वर्मी कंपोस्ट को इस तरह से छींटना है कि वह पूरे में लग जाए, मतलब पूरे में एरिया कवर हो जानी चाहिए। जो मिट्टी आपने टर्फिंग के लिए दी है उस वो पूरा ढक जाना चाहिए। और ये जैसा कि देख रहे हैं लाइनिंग बनाई गई है, तो ये लाइनिंग घास से घास की दूरी मेंटेन करने के लिए कि हाँ लगभग 2.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, मतलब 5 सेंटीमीटर के लगभग उसको एक घास से दूसरे घास की दूरी रखनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 10 पंजिया फूल है, तो इसे ये लाइन बाय लाइन हम लगा रहे हैं। तो इसमें होता है कि दोनों साइड का कॉर्नर जो उठा हुआ रहता है और बीच वाले भाग को दबा देते हैं और मिट्टी हल्की सी नरम और ढीली होनी चाहिए। मिट्टी टाइट होती है कि पानी सोखने के बाद उसमें उसे सुखाना नहीं है, नमी बरकरार रखनी है उसमें। अब जिस दिन आप टर्फिंग करेंगे उस दिन साइपरमेथ्रिन या प्रोफेनोफॉस जो होती है टर्माइट के लिए, आपको उसमें 2 ml प्रति स्क्वायर मीटर के दर से देना है, 2 ml प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गई 10 बजिया फूल की। अब दूब घास की कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने खेतों से या फिर अगल बगल के इलाकों से जड़ समेत मिट्टी से दूब घास को खार कर लाना है। कोई भी फंगिसाइड हो, जैसे कि कार्बेंडाजिम, वेवेस्टीन, मैंकोजेब, कोई भी हो, तो उस पर एक बार उस घास पे स्प्रे कर दे, जिससे कि आपका घास में आगे चलकर किसी भी तरह की बीमारी नहीं लगेगी, फंगिसाइडल इफेक्ट नहीं होगा उसमें और आपका जो लॉन बनाने जा रहे हैं टर्फ से वह हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। तो घास बनाने के लिए घास को अलग अलग कर ले और पूरे जो टर्फ आपने लिया है उस पर पूरी तरह से उसे बिखेर दे। ऊपर से रोलिंग करें, रोलिंग कोई भी एक भारी पाइप ले ले और उसे लगभग 3 से 4 बार रोल करें, पूरा शुरू से लेकर अंत तक रोल कर देना। रोल करने से होता है कि ये जो होती है दब जाती है, तो मिट्टी से अटैच हो जाती है, मिट्टी से अटैच हो जाएगी तो वो लग जाएगी। या फिर आप उसे खुरपी से डिबलिंग कर सकते हैं। डिबलिंग करने का मतलब उसके अंदर जिस तरह से पौधे को रोपते हैं तो उसी में आप उसे रोप सकते हैं। ये ज़्यादा समय और लेबर लगेगी इसमें, तो सबसे अच्छा है कि से जड़ वाले भाग को नीचे रखें जैसे कि आप देख रहे हैं और रोलिंग कर दे तो पूरी सड़ जाती है। और उसके बाद ऊपर से वर्मी कंपोस्ट हल्का हल्का ऊपर से छीट कर और पानी डालकर छोड़ दें। टर्फ आपकी लगभग 45 दिन में या 60 दिन में तैयार हो जाएगी आपको लॉन बनाने के लिए। इसमें आपको मेंटेनेंस के लिए
हर सुबह या फिर हर शाम आपको पानी इसमें देते रहना है डेली। नमी को बरकरार रखना है, ना पानी ज़्यादा होना चाहिए ना पानी कम होना चाहिए। दूसरी बात, समय समय पर फंगिसाइड का प्रयोग करना है, 15 दिन पर एक स्प्रे करना है। जब तक आप इसे लॉन में नहीं लगाते हैं तब तक इसको स्प्रे करना है। आपकी 60 दिन में लॉन बनाने के लिए टर्फ आपकी तैयार हो जाएगी और इसे आप अपने जो लॉन है उसमें लगा सकते हैं 60 दिनों के बाद। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।